नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोंदिया में अब पूरा मार्केट 2 बजे तक। गोंदिया में 50 मरीजों ने जीती कोरोना की जंग। पारा उतरा, लोगों ने ली महसूस की राहत। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। गोंदिया में अब पूरा मार्केट 2 बजे तक। गोंदिया जिले में सभी व्यापारियों को अब दोपहर 2 बजे तक दुकानें शुरू रखने की अनुमति मिल गई है। इसे लेकर व्यवसाय जगत में व्यापक खुशी का माहौल व्याप्त है। सोशल मीडिया पर व्यापारी इसे व्यवसाय जगत की एकता की सफलता निरूपित कर रहे हैं तथा प्रतिपादन किया जा रहा है कि संगठित होकर सभी तरह की सफलताएं हासिल की जा सकती है। यह भी प्रशासन ने 31 मई को सुबह 7 से 11 बजे तक व्यापार चालू रखने के निर्देश जारी किए थे, जिसे 1 जून को बदलना पड़ा। उल्लेखनीय है कि जिलाधीश दीपक कुमार मीना ने 1 दिन पूर्व ही जो आदेश जारी किया था उसमें आवश्यक सेवा के अलावा सभी दुकानों को शुरू रखने का समय सुबह 7 से 11 बजे तक दिया था। इस आदेश में परिवर्तन कर सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक कर दिया गया है, जिससे अब दुकानें सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। जिसे जिले में खरीफ मौसम की शुरुआत हो गई है, जिससे किसान वर्ग को कृषि कार्य संबंधी खरीदारी के लिए कोई असुविधा न हो, इसके लिए जिले के सभी कृषि बिक्री केंद्रों को सुबह 7 से शाम 7 बजे तक शुरू रखने की अनुमति दी गई है। तो वही दूसरे और गोंदिया में 50 मरीजों ने जीती कोरोना की जंग। 23 नए पॉजिटिव मिले और 1 की मौत हुई। इस तरह जिले में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 690 हो गई है। शासकीय मेडिकल कॉलेज की प्रयोगशाला से अब तक कुल 40,740 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वही 39,740 मरीजों ने कोरोना पर मात की है। जिले में कोरोना क्रियाशील मरीजों की संख्या 310 है, जिसमें से 176 मरीजों का उपचार उन्हीं के घरों पर शुरू है। जिले में कोरोना पीड़ितों के स्वस्थ होने का प्रतिशत 97.55 है, जबकि पीड़ित मरीजों का मृत्यु प्रतिशत 1.61 है। तो वही तीसरे और पारा उतरा, लोगों ने ली महसूस की राहत। ग्रीष्मकाल में सबसे ज्यादा गर्मी के लिए पहचाने जाने वाले नवतपा के दिन अब समापन की ओर है। नवतपा के शुरुआती दिन प्रचंड धूप और गर्मियों भरे रहे, लेकिन बीच में ही डेरा डाले बादलों ने नवतपा के पारे को नीचे ला दिया है। बुधवार 2 जून को नवतपा की विदाई हो जाएंगी। मई माह की शुरुआती से ही जिले में बदरीला मौसम व बेमौसम बारिश से मई हीट की परेशानी नहीं हुई। तब तक पारा भी 39 डिग्री तक पहुंच गया था, लेकिन 25 मई से नवतपा लगा व देखते ही देखते पारा 43.27 डिग्री पर पहुंच गया। जिले में मंगलवार को पारा 40.26 पर आ गया, जिससे नागरिकों ने थोड़ी राहत महसूस की है। नवतपा का भी रंग फीका पड़ गया है। इस दौरान बीच बीच में तपती तेज धूप और उमस से लोगों को पसीने छूट रहे है। 1 दिन पूर्व सोमवार को जिले का तापमान 42.2 डिग्री दर्ज किया गया था। मौसम विभाग ने इस बार नवतपा में भी मौसम शुष्क व बारिश होने की संभावना व्यक्त की थी। जिले में मंगलवार को सूर्य नारायण व बादलों के बीच लुका छुपी का खेल दिन भर चलता रहा, जिससे तापमान में अधिक वृद्धि नहीं हो पाई। मौसम विभाग ने आगामी कुछ ही दिनों में वर्षा की संभावना जताई है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।